हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत, ये हम दूसरी पोयम लेकर आए हैं, अ वेलीडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग। कंपोज्ड की हुई है ये जॉन डॉन द्वारा। तो शुरुआत करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे नए व्यूअर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि उनको जो भी हम वीडियोस यहाँ से दें वो उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे और वो सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधा पोयम में। एक्चुअली इस पोयम में क्या है कि जो कवि होता है जॉन डॉन, वो फ्रांस की यात्रा पर जा रहे होते हैं अपने मित्र के साथ। मित्र का नाम होता है सर रॉबर्ट ड्यूरे। तो इनकी जो पत्नी होती है एनी मोर, तो उस समय उनके जाने के समय ये बहुत दुखी होती है उनके डिपार्चर के दौरान, उनकी विदाई के दौरान। तो उनको समझाते हुए कहते हैं कि तुम दुखी मत हो और जो ये सेपरेशन है कुछ समय का विछोह है, विछोह नहीं एक्चुअली ये प्रेम का एक विस्तार है। उनको बार बार कई एग्जाम्पल दे के ढांढस धीरज बंधाते हैं, उनको कंसोलेट करते, सांत्वना देते हैं कि वो ज़्यादा रोए नहीं और दुखी ना हो, क्योंकि जो ये बिछड़ना है ये वास्तव में बिछड़ना नहीं है, उनके प्रेम का विस्तार है, इससे प्रेम और गहरा हो जाएगा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं इसके पोयम से। एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे। तो कवि यहाँ एक उदाहरण देता है, कहता है एज जैसे कि वर्चुअस मैन, वर्चुअस मीन होता है धार्मिक, मैन मीन लोग, पास मीन होता है गुजरना, माइल्डली मतलब हल्के से या शांति से, अवे मीन पास, अवे मीन होता है गुजरना, मर जाना। तो जैसे कि जो धार्मिक लोग होते हैं वे शांति से मरना चाहते हैं, शांति पूर्वक मरते हैं। एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, विस्पर मीन होता है खुसखुसाना, टू देयर सोल्स अपने जो साथी होते हैं या उनके चाहने वाले उनके मित्र होते हैं उनसे बड़े धीरे से कहते हैं टू गो, जाने के लिए, कि वे जा रहे हैं, बड़े धीरे से मरना पसंद करते हैं, बड़े शांति से, और वे अपने मित्रों से कहते हैं कि उनके जाने का समय आ गया है, वे उन्हें मरने दें। वाइट्स जबकि सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से, कि सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स, कि जबकि उनके कुछ जो मित्र होते हैं डू से, वे कहते हैं द ब्रीथ गोज नाउ, कि जो श्वास है वो जा रही है, अंतिम श्वास चल रही है। एंड सम से नो, और कुछ कहते हैं कुछ कुछ भी नहीं बोलते, अर्थात कुछ लोग शांत रहते हैं या और कुछ लोग शांत रहते हैं कुछ नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके से कुछ लोग होते हैं जो उन्हें मरने देना नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि वो कभी ना मरे, और चूंकि जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वे शांति से मरना चाहते हैं। कुछ मित्रगण उस समय दुखी होते हैं, उनको मरने देना नहीं चाहते, विलाप करते होते हैं, और वे जो मर रहे होते हैं वे चाहते हैं शांति से मरना, इसलिए वे चाहते हैं कि कोई उनके मरते समय कोई शोर शराबा ना हो, कोई शोर ना हो, वे शांति से मरें, कोई कुछ ना कहे। तो इस तरीके से इस स्टेंजा में कवि अपनी पत्नी जो एनी मोर होती है उनको सांत्वना देता है कि जैसे कि अच्छे लोग जो होते हैं, गुणवान लोग होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, वे शांति से मरना पसंद करते हैं, वैसे ही तुम मुझे शांति से विदा करो और इस विदाई के समय रो नहीं। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। सो लेट अस मेल्ट, इसलिए लेट अस मेल्ट, चलो हम मेल्ट हो जाएं, पिघल जाएं, पिघलने का मतलब है था बिछड़ जाएं। एंड मेक नो नॉइस, और कोई शोर शराबा ना करें, नो टीयर फ्लड्स, और ना ही कोई आंसुओं की बाढ़ लाएं, फ्लड्स मीन होता बाढ़, टीयर मीन आंसू, नॉर और ना ही साई टेम्पेस्ट मूव, और आहों की टेम्पेस्ट मीन तूफान वगैरह चलाएं, मूव कराएं। दीज वर प्रोफेनेशन ऑफ अवर जॉयस टू टेल द लेडीज अवर लव, दीज वर प्रोफेनेशन ऑफ अवर जॉयस, जॉयस मीन आनंद, प्रोफेनेशन मीन होता अपमान, टू टेल मीन कहने का, द लेडीज मतलब होता है साधारण लोग, अवर लव हमारे प्रेम, यानी वो कह रहा है कि अगर तुम आहों के तूफान लाओगी और ऐसे आंसुओं की बाढ़ लाओगी तो ये अपमान होगा हमारे उन आनंद के समयों का, उस समय का जो हमने आनंद के क्षण बिताए, और इससे टू टेल कहने का मौका मिल जाएगा साधारण लोगों को हमारे प्रेम के बारे में, अर्थात भी हमारे प्रेम के बारे में आक्षेप लगाने लगेंगे, ये सोचेंगे कि हमारा प्रेम सही नहीं था, सच्चा नहीं था, इसलिए हम लोग बिछड़ते समय रो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, इसलिए तुम रो नहीं,
दुखी मत हो और कोई शोर शराबा मत करो, ऐसा वो अपनी पत्नी से कहते हैं और उसको सांत्वना देते हैं कि वो शांत रहे और आराम से जाने दे उसे। मूविंग ऑफ द अर्थ, और फिर आगे वो कहते हैं और एग्जाम्पल एक देते हैं कि मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स। मूविंग ऑफ द अर्थ, अर्थ का मूव होना अर्थात भूकंप आना, ब्रिंग्स लाता है, हार्म्स मीन नुकसान, एंड फियर्स भय। मैन रेकन, लोग गणना करते हैं, रेकन करते हैं व्हाट इट डिड, कि ये क्या था, एंड मीन इसका मतलब क्या था, अर्थात इसमें कितना नफा और नुकसान हुआ, नफा नुकसान क्या कहें, कितना नुकसान हुआ और कितना भय व्याप्त हो गया। लोग नुकसान का आकलन करने लगते हैं, कितने लोग मरे, कितने लोग, कितनी संपत्ति नष्ट हुई। तो जैसे कि जब धरती हिलती है, भूकंप आता है, तो बहुत सारा नुकसान होता है, तो लोग हिसाब किताब लगाने लगते हैं कितना सारा नुकसान हो गया। बट लेकिन ट्रेपिडेशन ऑफ द स्पेयर, ट्रेपिडेशन मीन होता है कंपन, ऑफ द स्पेयर्स मीन होता है ग्रह नक्षत्र, जो आकाशीय ग्रह नक्षत्र होते हैं लेकिन जो उनमें कंपन होता है। दो, यद्यपि ग्रेटर फार, ग्रेटर मतलब बहुत ज्यादा, फार मीन दूर होता है, इज इनोसेंट, तो भी ये पूर्ण निर्दोष होता है। अर्थात कहने का मतलब है, कवि ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि जब धरती में कंपन होता है, भूकंप आता है, तो लोग हिसाब किताब लगाने लगते हैं गणना की और बड़ा शोर शराबा करते हैं, लेकिन वही कंपन जब आकाशीय ग्रह नक्षत्र के आपस में टकराने से होता है, अर्थात उससे भी कहीं अधिक विस्फोट अंतरिक्ष में होते रहते हैं, हमारी बिना किसी, हमें जिसकी कोई खबर नहीं होती, अनजाने में, यानी हमारे, हमें जान में, यानी हम जान नहीं पाते कि क्या अंतरिक्ष में कितना सारा विस्फोट हो रहा है, बड़े बड़े धूमकेतु ग्रह नक्षत्र आपस में टकराते रहते हैं, उनमें विस्फोट होता रहता है और हमें उसका कोई पता नहीं चलता, और बड़े निर्दोष तरीके से बिना जान माल की हानि किए वो संपन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि तुम भी दुखी मत हो, ज़्यादा निराश मत हो, और शांति से, जिस प्रकार से अंतरिक्ष में बड़े बड़े विस्फोट होते हैं, वो शांतिमय तरीके से हो जाते हैं, वैसे ही हमारे बिछड़ने का विस्फोट भी हो जाने दो। डल, सब लूनरी लवर्स लव। अब डल जो नीरस होते हैं, जिनमें कोई रस नहीं होता, सब लूनरी मतलब होता है भौतिक, इस लोक से संबंधित, धरती के लवर्स मीन प्रेमी, लव प्रेम करते हैं, जो धरती के प्रेमी होते हैं वे प्रेम करते हैं, कैन हुज सोल इज सेंस, कि जिनकी जो आत्मा होती है इस सेंस, वो सेंस पर आधारित होती है, अर्थात उनका प्रेम, उनकी आत्मा सेंस पर आधारित होती है, संवेदनशीलता पर, कैन नॉट एडमिट, वे स्वीकार नहीं कर सकते, एब्सेंस मी अनुपस्थिति, बिकॉज क्योंकि इट डोथ रिमूव, ये हटा देती है, कि इनके प्रेम से वो हट जाता है, दोज थिंग्स वे चीजें, विच एलिमेंटेड इट, कि जिससे प्रेम एलिमेंटेड होता है, बना हुआ होता है। कि कभी कहता है कि जो सांसारिक नीरस प्रेमी है, जिनमें कोई रस नहीं, जिनके प्रेम में कोई रस नहीं, कि जिनकी आत्मा सेंस पर आधारित है, अर्थात जो शारीरिक प्रेम करते हैं, वे अब्सेंस यानी अनुपस्थिति, अपने प्रेमी की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं करते, सहन नहीं कर पाते, एडमिट नहीं कर पाते, बिकॉज क्योंकि इट डोथ रिमूव दोज थिंग्स, क्योंकि ये वो चीजें हटा देते हैं अपने प्रेम से, जिससे प्रेम बना होता है, अर्थात इनके प्रेम से वो चीज रिमूव हो जाती, हट जाती, इनके प्रेम में वो बात नहीं रहती, वो सच्चाई नहीं रहती। लेकिन वो कहता है कभी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इसलिए तुम इनकी तरह मत बनो। बट लेकिन वी वाई अलब, लेकिन बी हम वाई अलब, एक प्रेम से, सो मच रिफाइंड, कि हम प्रेम रूप में बड़े रिफाइंड है, यानी हमारा जो प्रेम है बड़ा शुद्ध है, परिष्कृत है, रिफाइंड है। दैट की आवर सेल्व, कि हम स्वयं, नो नॉट, हम नहीं जानते वॉट इट इज, कि ये कितना रिफाइंड है, कितना शुद्ध है। लेखक अपनी पत्नी से कहता है कि हमारा प्रेम यद्यपि बहुत शुद्ध है, हम स्वयं नहीं जानते कि ये कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है। इंटर एज्योर्ड ऑफ द माइंड, केयरलेस आईज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, इंटर एज्योर्ड ऑफ द माइंड, ये मन का आंतरिक गठबंधन है, इंटर एज्योर्ड आंतरिक आश्वस्तता है, अर्थात आंतरिक संबंध है, एक अंतर का विश्वास है हमारे मन का, जो हमारा प्रेम है, अंतर का विश्वास है। केयरलेस, हम टोटली केयरलेस है, पूरी तरह हमें कोई चिंता नहीं है, आंखों की ना ही, ओंठों की और ना ही हाथों की, कि जिनको हम मिस करें उनको ध्यान करें, कि हमारा प्रेम बड़ा पवित्र है। इसलिए इस पवित्र प्रेम को आधार रखकर वो कभी अपनी प्रेमिका या ये कहें कि पत्नी को कहता है कि वो ज़्यादा शोर शराबा ना करे, दुखी ना हो, रोए नहीं।
अवर टू सोल्स देयर फोर, अवर टू सोल्स जो हमारी दो आत्माएं हैं, देयर फोर इसलिए विच आर वन, एक है, इस तरीके से हमारी जो आत्माएं यानी हम दोनों जो हैं वो इस तरीके से एक हुए। दो यद्यपि आई मस्ट गो, यद्यपि मुझे जाना है, एंड योर नॉट एट, एंड योर मीन होता सहन करना, नॉट एट तो भी, अभी तुम सहन मत करो, अर्थात अभी मत रो, अभी मैं गया नहीं, अभी मुझे जाना है। अ ब्रीच, एक एक्सपेंशन, ब्रीच मीन होता है बिछो, बिछड़ना, बट एन एक्सपेंशन, हालांकि एक बिछो है, एक बिछड़ना है, लेकिन एक ये विस्तार है, लाइक गोल्ड, सोने की तरह, टू एरी थिननेस बीट, कि जब सोने सोने को हवा में पीटा जाता है, उसको पीट पीट कर पतला कर दिया, थिननेस बनाया जाता है, किस प्रकार सोने को पीटने पर वो पतला हो जाता है, उसका विस्तार हो जाता है, उसी प्रकार से जो हम ये बिछड़ रहे हैं, बिछड़ना नहीं है, ये विस्तार है सोने की तरह, अर्थात हम जितना दूर रहेंगे उतना ही हमारे प्रेम में विस्तार हो जाएगा। तो इस तरीके से अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, अ वैलिडिक्शन मीन होता एक विदाई, फॉरबिड मीन होता मना करना, मॉर्निंग मीन होता दुखी होने से। इस प्रकार से इस पोएम में कवि अपनी प्रेम का या पत्नी को दुखी होने से मना करता है। इस स्टेंजा में भी ऐसे ही एग्जाम्पल देता है सोने का, कि सोने को पीटने पर किस प्रकार से उसमें विस्तार हो जाता है, ऐसे ही जितना हम दूर रहेंगे और उतना ही हमारे प्रेम में विस्तार हो जाएगा, फैलाव आएगा। इफ, फिर कहता है, इफ दे बी टू, अगर वे दो हों भी, तो दे आर टू सो, तो वे दो ऐसे हैं, कैसे, एज स्टिफ, जैसे कि जोड़, या कहें कि टांग, ट्विन कंपासेस, कि जो जुड़वा स्टिप ट्विन, यानी दो जो जुड़वा टांगे होती है, जोड़ होते हैं उसके कंपास के, या ये कहें कि दो कंपास के जो लेग होते हैं पैर, आर टू, वो दो होते हैं ना। दाई सोल द फिक्स फूट, कि जो तुम हो, दाई मीन होता तुम्हारी, सोल मीन आत्मा, द फिक्स फूट जो तुम्हारी आत्मा है, वो दूसरा पैर है, फिक्स्ड पैर है। मेक्स नो सो टू मूव, कि जो कोई सो नहीं करती, चलने का कोई सो नहीं करती, अर्थात तुम जो हो वो ऐसा पैर है, उस कंपास की ऐसी टांग है जो चलने का कोई सो नहीं करती, बट डोथ इफ अदर डू, लेकिन चलती है, इफ अगर अदर डू दूसरा चलता है तो चलती है। एंड और दो इट इज इन द सेंटर सिट, और यद्यपि ये सेंटर में ही बैठी रहती है, चलने चलती भी है तो भी सेंटर में ही बैठी होती है, केंद्र में ही रहती है। एट तो भी वेन द अदर फार डोथ रूम, और जब अदर दूसरा यानी मैं, लेखक यहाँ कंपास यानी प्रकार की जो दो टांगे होती हैं उनसे तुलना करता है अपनी और अपनी पत्नी की, कहता है कि जो तुम हो वो स्थिर टांग जो एक जगह स्थिर रहती है, वो चलने का कोई शो नहीं करती, और मैं जो हूँ वो दूसरी टांग हूँ जो चलती है। तो फिर वो कहता है कि एक सेंटर पर बैठी रहती है और दूसरी, यद्यपि दूसरी जो होती है तो भी, कि वेन द अदर फार, कि जो दूसरी होती है, फार मतलब दूर, डोथ रोम, रोम मतलब होता है भटकना या जाना, कि जो दूसरी होती है वो भटकती है, इट लीन्स, तो ये जो होती है पहली वाली यानी जो फिक्स रहती है, इट लीन्स, झुक जाती है, इन हार्किंस आफ्टर इट, और इसकी पीछा करती है, अर्थात इसकी खोज करती है कि कहाँ गया। एंड ग्रोज इरेक्ट, और ग्रो, ग्रो मीन होता है उग जाना या हो जाना, उत्पन्न हो जाना, इरेक्ट, और ये सीधी हो जाती है, एज, चूंकि दैट कम्स होम, एज दैट कम्स होम, और जब वो घर आती है, अर्थात जो दूसरी टांग जो घूमने गई है, अर्थात लेखक अपने लिए कह रहा है कि मैं जब घूमने जाऊंगा तो तुम मेरा पीछा करोगी, अर्थात एक जगह स्थिर रहते हुए मेरी तलाश करती रहोगी, और जैसे ही मैं आ जाऊंगा तो तुम सीधी हो जाओगी। ग्रोज इरेक्ट एज दैट कम्स होम, कि जैसे ही वो वापस दूसरी टांग वापस आती है तो वो सीधी हो जाती है, ऐसे ही जब मैं वापस आऊंगा तो तुम भी सीधी हो जाओगी। सच बिल्ट दो बी टू मी, सच बिल्ट, बिल्ट मीन होता है विल, दो मतलब तुम, बी मतलब होना, टू मी ऐसी तुम मेरे लिए हो जाओ, हु मस्ट लाइक द अदर फूड ऑफ द क्वेलियन। अब मी, मी के बाद कॉमा लगा है, फिर लिखा हु, यानी मी के लिए हु यूज किया गया है, तो हु मस्ट, अब मेरे लिए ऐसी हो जाओ कि जो मैं, लाइक द अदर फूड, अन्य उसकी टांग की तरह, ऑब्लिक क्वेली रन अर्थात तिरछे रूप में, मैं आड़ा तिरछा होके जो दौड़ लगा रहा हूँ, अर्थात जो चल रहा हूँ, यात्रा पूरी कर रहा हूँ, यात्रा में गया हूँ। दाई फरनेस मेक्स माई साइकिल जस्ट, अगर तुम मेरे लिए ऐसी हो जाओगी तो तुम्हारी जितनी दृढ़ता रहेगी, तुम जितना केंद्र पर, जितना सेंटर पर एक जगह बैठी रहोगी, तुम्हारी
तो इससे दाई फर्मनेस, तुम्हारी दृढ़ता मेरे सर्किल को, मेरे घेरे को पूरा कर देगी, अर्थात मेरा जो चक्र है यात्रा का वो पूरा हो जाएगा। एंड मेक्स मी एंड, और इससे मेरी यात्रा समाप्त हो जाएगी वेयर आई बिगिन, जहाँ से मैंने शुरू की थी। इस तरीके से अ वेलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, एक विदाई, फॉरबिड मीन मना करना, मॉर्निंग मीन दुखी होने से, विलाप करने से। इस प्रकार से ये पोयम समाप्त होती है। आशा है आपको ये पोयम बहुत पसंद आई होगी, तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट देना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।